नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सांबर पंचायती समिति श्रीरामपुरा तहसील के गांव मोरूदा में गोल्डन रिम सोसाइटी द्वारा चेयरमैन सपना सबनानी ने बैठक ली। गांव के महिलाओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया, साथ में नरेगा के महिला श्रमिक इस बैठक में बढ़ चढ़कर भाग लिए। गोल्डन रिम सोसाइटी के चेयरमैन सपना सबनानी ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी को बताया कि सिलाई मेहंदी एवं पार्लर और छोटे बच्चों की कोचिंग क्लास तक निःशुल्क 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद में सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह कार्य हर तहसील के हर गांव में मैं करते रहूंगी, जिसमें गरीब बच्चों एवं महिलाओं ने अपने बलबूते में खड़ा हो सके। महिलाओं को संबल योजना के तहत सरकारी योजना के बारे में विस्तार से समझाया गया, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, पालनहार योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, चिरंजीवी के बारे में समझाया गया और आवेदन करने के लिए बताया गया। साथ ही नरेगा में काम करने वाले महिलाओं को पेमेंट टाइम पर नहीं मिलने के कारण कलेक्टर को अवगत कराया, ताकि महिलाओं को टाइम पर अपनी मेहनत मिल सके। समय समय पर खाद्य सामग्री के सामान, कंबल, स्वेटर, पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे लोग की किताब, स्कूल बैग, ये बांटा जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है, हर गांव में हमारे सेवा दे सकें। जनहित में खुद एवं मेरी टीम गांव में अपना कार्य दिखाकर उनका आशीर्वाद ले सके, यही मेरा मंशा है। और राजस्थान सरकार की सरकारी योजना घर घर तक पहुँचकर महिलाओं को समझा सकूं, ताकि गरीब जनता सरकारी योजना का लाभ ले सके। अभी मोरूदा गांव में मैं आए हैं। यहाँ संबल योजना के तहत पालनहार योजना के बारे में जब गोल्डन ड्रीम सोसाइटी ने चेयरमैन सपना सबनानी ने सबको समझा रहे हैं, ये यहाँ पे पालनहार योजना, विधवा योजना, पेंशन योजना, महिलाओं के ये सारे सुविधा सरकार के रीति नीति अनुसार ई मित्र के मार्फत, नहीं तो आंगनबाड़ी के मार्फत होते हैं, तो उसमें से कुछ महिलाएं ने भाग के आए अपने पास और सरकार के ये जो पालनहार योजना के बारे में बताया, ये मेरा पैसा मिलना बंद हो गया, मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। ऐसा एक दुखी महिला जिसके पालनहार योजना से बंद हो गया है, ना अधिकारी ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है, क्या हो रहा है सरकार के, आइए बता रहे हैं ये दुखी महिला। आपके शुभ नाम? फूला देवी। फूला, जोर से बोलो। फूला, फूला, फूला देवी, ये बताओ आपको पालनहार योजना में आपके नाम है क्या बच्चे का? नाम तो है, नाम है तीन लड़कियां का, तीन एक तो लड़का है, तीन लड़कियां। तो तीनों का नाम से कुछ आता है क्या यहाँ पे? हाँ, पहली तो आया, अब नहीं आती। कितना साल पहले आते थे? पहले तो आता 5-7 साल पहले, उसके बाद बंद हो गया। 5 साल में कौन आ रहा? फिर आपने हमारा कलेक्टर साहब विशाल राजन को कहा था ये बात? एक लड़की को ब्याह कर, एक लड़की शादी कर दी, 18 साल की होते कर दी। उसमें कुछ पैसा मिला है क्या आपको? नहीं, कौन मिले? और ना कोई सरपंच, ना कोई अधिकारी आपको कुछ बोला है क्या इस बात में? नहीं, कहीं नहीं बोले। और गाँव में ये बात का पता भी नहीं है? नहीं। अभी आप देखिए, गांव में ये बात का पता भी नहीं है सरकार के रीति नीति और जो संबल योजना के तहत यहाँ पे जो आदमी घूम रहा है, अधिकारी घूम रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि आधा गांव में, क्योंकि पढ़े लिखे तो कम होती है यहाँ पे, तो इनको पता ही नहीं है ये यहाँ पे भी जिस विधवा महिलाओं के लड़की के शादी होता है और उनको सरकार मदद करते हैं, ये बात अभी तक इन लोग को पता नहीं है। कैमरा पर्सन के साथ डब्लू गोस्वामी, आवाज इंडिया, जयपुर राजस्थान। बताइए आप। जी, हमारे 12 महीने पहले हमारा पति काम कर रहा था वहाँ पे, ये हमारे नरेगा के पैसे नहीं आए अभी तक। कोई, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, खाता नंबर दे दी थी उसको, तो वो गलत संख्या लगा के पता नहीं किसके खाते में डाल दिया, और हमारी सुनाई नहीं करता। हम जाते हैं सेक्रेटरी के पास और उसकी क्या नाम हो बोले मेड साहब के पास जाते हैं, तो मेड साहब यह कहते हैं मैं क्या करूँ, अब पैसा आवे को ना वो डूब जाएगा। सरपंच को कहा था क्या आपने? किया जा, ये गए मगाई करूं। ऐसा कोई प्रमाण है क्या आपने गए थे सरपंच के पास? किया जा, मैं तो आप राज्य सरकार को क्या बोलना चाहते हैं? कितना पैसा बाकी है? 5-15 का पैसा बाकी है हमारे। उसका कितना पैसा होता है राज्य सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, खोल के बताओ। अब पैसा तुम्हारा गांडे करता बना जाता, पहली की बता रही हूँ, 5 मिनट टोल दी।
यहाँ पे 5-5 महीना से इन लोग का पैसा बाकी है और राज्य सरकार आंख मीच के बैठे हुए हैं। नरेगा का ना तो इंक्वायरी कर रहा है, ना कोई जांच लेवल मार रहा है। सरपंचों के पास जाते हैं, उन्होंने भी ठुकरा के भेज देते हैं, और अधिकारी के पास जाते हैं तो उन्होंने भी बोला जब आएगा तब दिखा जाएगा। तो ऐसा गरीब औरत कहां से कहां जाएंगे, ये देखते हुए आज डब्लू गोस्वामी आवाज इंडिया के तरफ से गांव का जांच करने के लिए आए हैं। जे नरेगा में जो आदमी काम कर रहे हैं उसके क्या हाल हो रहा है। डब्लू गोस्वामी आवाज इंडिया ब्यूरो चीफ राजस्थान।